श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर। ये जगह मोहनगढ़ में आई हुई है, जहां पर हम धर्मपुर से होकर जा सकते हैं। धर्मपुर के इस सर्कल से राइट का रास्ता विल्सन हिल की ओर जाता है। हमें सीधा वासदा वाले रास्ते पर आगे जाना है। इस रास्ते पर से वासदा से होकर सापुतारा भी जा सकते हैं। थोड़ा ही आगे जाने पर हमें राइट साइड पर ये रास्ता और ये छोटा सा बोर्ड दिखेगा, जिस पर शेरीमाल लिखा हुआ है। हमें इसी रास्ते पर आगे जाना है। इस रास्ते को श्रीमद राजचंद्र मार्ग का नाम दिया गया है। श्रीमद राजचंद्र मिशन के आश्रम का एंट्री का मुख्य गेट हमारे राइट साइड पर आता है, जो कि काफी बड़ा बनाया गया है। अंदर कोई भी व्हीकल रखने के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पहली बार यहां पर आते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके WhatsApp की मदद से फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस काउंटर से एंट्री पास कलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास WhatsApp या फोन अवेलेबल नहीं है, आप फिजिकली भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ QR कोड स्कैन करके एंट्री ले सकते हैं। अंदर एंटर होते ही सामने इलेक्ट्रिक बस और उसका वेटिंग एरिया आता है। अंदर खाने पीने की कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाती है। पहले हमें इस कमरे में पूरे श्रीमद राजचंद्र मिशन और इस परिसर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर हमें यहाँ ई बस स्टैंड पर वेट करना होता है, जहां से उनकी बस में हमें ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर जाने का रास्ता काफी खूबसूरत है, पर यहाँ हमें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने का मना था, इसलिए ये वीडियो दूसरे के फोन में से जुगाड़ करने पड़े। ये क्लॉक टावर काफी खूबसूरत था। थोड़ी ही देर में हम गार्डन के पास पहुंच गए। यहाँ पर हमारा पहला स्टॉप था। ये मेडिटेशन गार्डन के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग कई घंटों तक मेडिटेशन करते हैं और अपनी अंतरात्मा को जगाते हैं। वहां से चलकर हमें एम्फी थिएटर की ओर जाना है। एम्फी थिएटर में बैठने की विशाल जगह, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ श्रीमद राजचंद्र मिशन का साइन और श्रीमद राजचंद्र जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। ये प्रतिमा लगभग 34 फीट ऊंची है। श्रीमद राजचंद्र जी की प्रतिमा के समान ही ये स्टैच्यू भी एकदम भव्य लग रहा था। उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम ऊपर भी जा सकते हैं, पर खास ध्यान रहे कि आप यहाँ पर जूता या चप्पल पहनकर या चमड़े की कोई भी चीज पहनकर ऊपर ना आए। ये एक स्पिरिचुअल जगह है, जिसकी रिस्पेक्ट हम सबको करनी चाहिए। आइडोल के आसपास पानी गिरता हुआ बनाया गया है, जिसका साउंड और रिफ्लेक्शन काफी रिलैक्सिंग एहसास करवाता है। श्रीमद राजचंद्र जी के आइडोल के ठीक सामने लगभग 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था और उसके पीछे सत्संग हॉल बनाया गया है। हमें अब वापस ऊपर जाने के लिए इस जगह पर वेट करना है, जहां से हमें ई बस जिन मंदिर तक लेकर जाती है। ये है जिन मंदिर का परिसर। बीच में 35 फीट का कीर्ति स्तंभ बनाया गया है, जिस पर काफी खूबसूरत नक्काशी के साथ मूर्तियां भी बनाई गई है। ऊपर से हमें एम्फी थिएटर
और श्रीमद राजचंद्र जी का बड़ा स्टैच्यू भी दिखता है जहां से हम ऊपर आए थे। जिन मंदिर पर की गई लाइटिंग के कारण ये सब कुछ एकदम सुंदर दिख रहा था और ये सीढ़ी तो मानो स्वर्ग की सीढ़ी लग रही थी। यहां से आगे लेफ्ट की तरफ मेल और राइट की तरफ फीमेल को जाना होता है। यहां स्टैंड में अपने जूते चप्पल निकालकर हम अंदर जा सकते हैं। ये है मुख्य मंदिर जिसे जिन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर को दूर से ही देखने पर सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है इसकी भव्य नकाशी और बनावट के ऊपर, जो इस लाइटिंग में और भी शानदार लग रही थी। पांच शिखर, 262 फीट लंबाई और 108 फीट ऊंचाई वाले इस जिन मंदिर को लगभग 20,000 से भी ज्यादा पत्थरों को नकाशी करके बनाया गया है। जिन मंदिर में 108 और गुरु मंदिर में 150 स्तंभ बनाए गए हैं। जिन मंदिर में भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव, भगवान शांतिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान सिमंदर स्वामी और भगवान पद्मनाभ की मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारों पर 150 से ज्यादा प्रेरणात्मक कहानियों को नकाशी काम के द्वारा दर्शाया गया है। दो स्तंभों के बीच में ऊपर की तरफ कार्विंग करके जो शेप बनाया गया है उसे तोरण कहते हैं। इस पूरे मंदिर में ऐसे टोटल 108 तोरण हैं। इस जिन मंदिर के ठीक नीचे बना है गुरु मंदिर, जिसके अंदर श्रीमद राजचंद्र जी की प्रतिमा के सामने मेडिटेशन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की सुंदरता को देखने और मंदिर के अंदर के स्पिरिचुअल एहसास को महसूस करने के लिए आपको खुद ही यहाँ पर आना होगा। और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं मंदिर के अंदर की, जैसे कि खूबसूरत तावड़ी, जो कि एक बड़ा सा डोम है जिसे पूरा कार्विंग करके बनाया गया है। पूरी की पूरी सीलिंग कार्विंग करके यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें दो बड़े घुमट भी शामिल है। ये सब की फोटोस और वीडियोस आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करके देख सकते हैं। अब रात हो चुकी थी तो हम भी वापस घर की ओर जाने के लिए ई बस में बैठ गए और नीचे उतरने लगे। वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जगह काफी खूबसूरत जगह है, पर ये कोई पिकनिक करने की जगह नहीं है। यहाँ आकर आप किसी के बिलीफ को या उनके रिलीजियन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको शांति से मेडिटेशन, योगा या कोई और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।